हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो अब चैप्टर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें हम सभी टॉपिक चैप्टर नंबर 4 के कवर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे सभी सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे एक साथ ही क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपको परचेस बुक भी बनानी होगी, परचेस रिटर्न भी, सेल्स बुक भी, सेल्स रिटर्न बुक भी, और जनरल प्रॉपर भी बनाने का होगा। मतलब जो एक्स्ट्रा के ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ जाएंगे, जनरल प्रॉपर में। तो क्या है क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूँ। सबसे पहला डेट क्या है, तो 2017 फेब। तो मैं सब में ही लिख रहा हूँ 2017 फेब, मेरे को बार बार मंथ और ईयर लिखना की ज़रूरत ना पड़े। फेब। अब वन बाय वन रीड कर रहा हूँ। नंबर वन, गुड सोल्ड टू सचिन 5000। गुड सोल्ड मतलब सेल्स बुक में जाएगा। गुड सोल्ड टू सचिन क्या है, सचिन क्या है, अमाउंट इज़ फाइव थाउजेंड। नेक्स्ट, परचेस फ्रॉम कुशाल ट्रेडर मतलब परचेस किया है, तो परचेस कहाँ जाएगा, क्या नाम है, कुशाल ट्रेडर्स। अमाउंट कितनी है, 2480। डेट इज 4th फेब। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनीष ट्रेडर, सेल किया है तो सेल्स बुक में जाएगा। डेट कौन सी है, डेट इज 6। नाम क्या है, मनीष ट्रेडर्स। अमाउंट इज 2100। क्या है, 2100। नेक्स्ट, सचिन रिटर्न्स अ गुड्स ऑफ 600। मतलब ये जो सचिन को हमने भेजा था उसने क्या किया, वापिस दे दिया। कौन सी डेट को वापिस दिया, 7th को। तो कितना, सचिन क्या है, 600 का गुड्स, 5000 का गुड्स उसको बेचा था, उसमें से उसने 6000 का गुड्स क्या किया, वापिस कर दिया। नेक्स्ट, रिटर्न टू कुशाल ट्रेडर्स। अब यहाँ पे जो कुशाल से हमने 2480 रुपीज़ का ख़रीदा था, उसमें से हमने उसको 280 का वापिस कर दिया। मतलब 280 का वापिस कर दिया, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कुशाल ट्रेडर्स, अमाउंट इज 280। डेट कौन सी है, डेट इज 8th फेब। नेक्स्ट, ऑन 10th सोल्ड टू मुकेश, 10th पे क्या किया, मुकेश को सोल्ड किया, क्या है, मुकेश। कितनी अमाउंट है, अमाउंट इज 3300। तो क्या है, सेल्स होगा तो आप यहां लिखोगे, परचेस होगा तो यहां लिखोगे, सेल्स रिटर्न इधर लिखोगे और परचेस रिटर्न इधर लिखोगे। अगर यहां पे ऐसा बोला हो कि गुड सोल्ड टू मनीष फॉर कैश, तो इसमें से आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे वो आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। किसमें, कैश बुक। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। यहाँ पे परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, और सेल्स रिटर्न बुक में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो कहा क्या है, नेक्स्ट लास्ट थी मुकेश, 10th को सोल्ड किया। फिर 14th को क्या है, परचेस फ्रॉम कुणाल ट्रेडर्स, परचेस किया है कुणाल ट्रेडर्स। डेट इज 14th फेब, अमाउंट इज 5200। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेस फ्रॉम तरुण। अब यहाँ पे देखो, फर्नीचर परचेस है मतलब हमारा जो बिजनेस है वो फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो फर्नीचर परचेस हमारी परचेस बुक में भी नहीं आएगा, या तो सेल्स करेंगे तो भी फर्नीचर सेल्स बुक में भी नहीं आएगा, वो हमारे लिए असेट है। तो असेट हमारा जाएगा जनरल प्रॉपर में। कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। तो आपको जनरल प्रॉपर एक अलग से बनानी पड़ेगी। तो क्या है डेट, सॉरी डेट क्या है, डेट इज 15th। क्या यहाँ पे ठीक से मेरा अमाउंट और सब आ नहीं रहेगा, तो मैं सिंपली डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना के लिखना। क्या है, 15th फेब। क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या है, करू टू तरुण, क्या है, टू तरुण अकाउंट।
मतलब हमने तरुण से खरीदा क्या फर्नीचर, अमाउंट इज 3200, क्या है 3200। तो कोई भी परचेस बिना का ट्रांजेक्शन अपने असेट परचेस की हो तो कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में, बाकी सब जो परचेस करेंगे गुड्स परचेस करेंगे तो वो जाएगा परचेस बुक में। अगर मैंने फर्नीचर सेल किया होता तो वो सेल्स बुक में नहीं आता, वो भी जनरल प्रॉपर में ही लिखते। क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑफ लिखा है, बॉट फ्रॉम नरेश होगा, यहाँ पे आप फ्रॉम कर देना, ऑन 17 बॉट फ्रॉम नरेश। अमाउंट क्या है, अमाउंट इज 4060। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम मुकेश, मतलब मुकेश को हमने क्या किया था, सेल किया था, तो उसने वापिस किया, मतलब रिटर्न इनवर्ड हुआ, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। तो क्या करूंगा मैं यहां पे मुकेश लिखूंगा, और अमाउंट क्या है, कितने का गुड्स वापिस किया उसने, सॉरी उससे पहले क्या है, सॉरी पहले ये खत्म कर दूं, 250। ये इससे पहले क्या है, रिटर्न टू कुणाल ट्रेडर्स, तो कुणाल ट्रेडर्स को हमने रिटर्न किया जिससे खरीदा था, मैं लिखूंगा कुणाल ट्रेडर्स, कितने का हमने रिटर्न किया 200। डेट इज 20 एंड इसकी डेट कौन सी है, 22nd। नेक्स्ट 24 को क्या किया, गुड्स परचेज फ्रॉम कार्तिक एंड कंपनी फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ 5700 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या है, 5700 का हमने परचेस किया, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब क्या दिया, 570 का ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना होगा अमाउंट हमारी, कितनी जाएगी, 5130। क्या 5130, तो कहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेस किया है कार्तिक एंड कंपनी, कार्तिक एंड कंपनी। अब परचेस कितने का किया था हमने, 5700, बट उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमको मिला कितने में, वो 5130 में। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड टू श्रीचंद गुड्स लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कितना, उसको हमने सेल किया 6600 का, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हमने कितने का दिया होगा, 330 का ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, तो कितना होगा, 6270। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाम क्या है, श्रीचंद गुड्स नाम है। तो कितने का सेल किया हमने, 270। क्यों इतना हमारी अमाउंट आ रही है कि हमने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इस वजह से। तो डेट इज 25th, और यहाँ पे डेट सी 24th। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड टू रमेश एंड ब्रदर्स, कितना, 4000 सोल्ड किया रमेश एंड ब्रदर्स, कितने का सोल्ड किया हमने, 4000 का, कितना, 4000। डेट कौन सी है, डेट इज 26th। नेक्स्ट क्या है, ऑन 28 रिटर्न आउटवर्ड टू कार्तिक एंड कंपनी 1000 लेस 10%। अब सोचो, हमने कार्तिक से जब खरीदा था तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, मतलब हमने अगर 10,000 की चीज़ खरीदी होती तो हमको वो 9,000 में पड़ती, तो हमने जब 1,000 रुपये की चीज़ वापस की तो हमको वो कितने पैसे वापस देगा, डेफिनेटली 900 देगा, मतलब उसने क्या बोला है, 1000 रुपीज़ के गुड्स वापस कर दिए हमने, किसको, कार्तिक एंड कंपनी को, तो उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट वो क्या करेगा, डिडक्ट करके पैसे देगा, मतलब क्या करेगा, 100 रुपीज़ डिडक्ट करके देगा आपको 900।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्तिक एंड कंपनी कितना आएगा 900, डेट इज 28। नेक्स्ट, अब लास्ट है ऑन 28 रमेश ब्रदर रिटर्न गुड्स 500। अब सेम यहाँ पे वही केस हो रहा है, रमेश एंड ब्रदर्स में तो हमने डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 28 को रिटर्न लिखेंगे, नाम लिखेंगे रमेश एंड ब्रदर्स, कितने का रिटर्न किया है उन लोगों ने 500, कितना 500। अब हमारा पूरा सम खत्म हो गया, अब हम करेंगे टोटल मतलब बैलेंस चेक करेंगे सबका। तो वन बाय वन मैं बैलेंस चेक कर रहा हूँ, तो कितना आएगा इधर का जीरो, कितना होगा 997, ये होगा 678, 10 प्लस कितना 16,870। अब परचेज सेल्स बुक का करेंगे, कितना है 23,670। अब इस साइड का करेंगे क्या है 08 9 + 4 13 1380, और यहाँ का करेंगे 05 7 + 6 कितना होगा 13, मतलब क्या 1350। और यहाँ पे जनरल प्रॉपर का टोटल क्या आ जाएगा हमारा, जनरल प्रॉपर का टोटल आएगा 3200। तो अब मैं वन बाय वन चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या कहीं गलती हो तो एक बार चेक कर लेंगे। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ आंसर क्या है, सेल्स बुक का आना चाहिए 20,670, मतलब हमने यहाँ पे कुछ गलती की है। तो क्या गलती की है फिर से एक बार मैं देख रहा हूँ, फिर से 07 ये कितना होगा 6, ये होगा सॉरी 10, हाँ तो कितना हो जाएगा ये 20 होगा। तो अभी हमारा आंसर आ गया कितना 20,670। फिर नेक्स्ट इधर करेंगे कितना, ये है 16,870, मतलब ये वाला आंसर राइट है। फिर है परचेज रिटर्न बुक 1380, ये भी राइट है, और ये है 1350, ये भी राइट है। मतलब हमने पूरा एक सम किया, इसमें सभी हमने बुक्स एक साथ में बनाई। तो आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप सभी बुक आसानी से सब बना सकते हो। और एक्स्ट्रा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जो किसी बुक में ना आए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उसको आपको डालना है जनरल एंट्री लिख देनी है उसकी, और जनरल प्रॉपर में उसको पोस्ट कर लिख देना है, जनरलाइज कर देना है।